बिहार में दिन प्रतिदिन अपराधियों के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं। अपराधी रोज नई वारदात को अंजाम दे रहे हैं। रोज बिहार के अलग अलग जिलों में हत्या लूट की खबरें सुर्खियां बन गई हैं। ताजा मामला बिहार के बेगूसराय जिले का है, जहां रविवार सुबह अपराधियों का तांडव देखने को मिला। घटना सिंगौल थाना के कैलाशपुर गाँव की है, जहाँ अपराधियों ने मामूली विवाद में पिता और बेटे सहित 3 लोगों को गोलियों से भून दिया। इस घटना में एक की मौत हो गई, जबकि पिता और बेटा गोली लगने से घायल हो गए। वहीं बिहार में बढ़ते अपराध पर राजनीति भी तेज हो गई है। विपक्ष बढ़ते अपराध पर बिहार सरकार को घेरने का एक मौका भी नहीं छोड़ रहा। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने बढ़ते अपराध के लिए सीधे तौर पर सूबे के मुखिया यानी नीतीश कुमार पर हमला बोला है। सम्राट चौधरी ने कहा कि बिहार में नीतीश कुमार बीमार है, उनकी पाची भी बीमार हो गई है, अब सरकार भी बीमार हो गई है। बिहार के लोगों की सुरक्षा के साथ अब खिलवाड़ किया जा रहा है। बिहार में नीतीश कुमार जी बीमार हैं, उनकी पार्टी बीमार, अब उनकी सरकार भी बीमार हो गई है। बिहार के लोगों के सुरक्षा के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। बिहार में आप सोचिए कि जिस प्रदेश का मुख्यमंत्री बीमार हो, वहाँ की पुलिस प्रशासन तो बीमार हो ही। वहीं विपक्षी आरोपों का जवाब देते हुए जेडीयू ने भी कहा कि आपराधिक घटनाओं का 17 मानकों पर हम समीक्षा करते हैं और सरकार कानून के राज के तहत बगैर जाति धर्म के अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई करती है। आपराधिक घटनाओं का 17 मानकों पर हम समीक्षा करते हैं और सरकार कानून के राज के तहत बगैर जाति धर्म के अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई करती है। अब किस कारण से हुआ है तो पुलिस अनुसंधान करती है और अनुसंधान में कोई हस्तक्षेप नहीं होता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी इसकी जिस रूप से राजनीतिक व्याख्या कर रही है तो हमको ऐसा लगता है कि अब तो कोई भी बिहार में सब लोग घर में कैद हो गया, कोई निकल नहीं रहा है, सब डर गया एकदम। सब स्टेशन खाली है, ट्रेन खाली है, हवाई जहाज खाली है, टेम्पो खाली है, कोई घर से नहीं निकल रहा है। बल्कि भारतीय जनता पार्टी ने यह तय कर लिया है कि हमारे कार्यकर्ता सब लोग के घर में जाके हनुमान चालीसा पढ़वा रहे हैं और कह रहे हैं कि घर से मत निकलिए, खतरा आप पर है। अगर खौफ का वातावरण है, जंगल राज कर रहे हैं, तो उसका तो यही निदान है ना। वो तो सरकार में है नहीं, तो विरोधी पक्ष होने के नाते इसी दायित्व का निर्वहन कर रहे हैं और खौफ का वातावरण बनाने में अपनी भूमिका अदा कर। वहीं राजद ने भाजपा के आरोपों पर कहा कि सवाल खड़े करने वाले हमारे विरोधी बीजेपी है। बीजेपी का ये तिलिस्म है, जब जब वह सत्ता से बाहर होती है तब वो लॉ और ऑर्डर पर सवाल खड़ा करती है। नहीं देखिए, सवाल खड़े करने वाले हमारे विरोधी बीजेपी है और बीजेपी का ये तिलिस्म है, जब जब सत्ता से बाहर होती है तब लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल खड़े करती है और कुछ गड़बड़ी कराने का भी प्रयास करती है, उसमें वो सफल नहीं होंगे। नीतीश तेजस्वी की सरकार में कानून का राज किसी भी कीमत पर स्थापित होगा, अपराधियों को पाताल से भी खोज कर उनको कड़ी सजा दी जाएगी, लेकिन जो गड़बड़ी करने वाले हैं वो भी संभल जाए, नहीं तो उनको चेतावनी स्पष्ट है। और भारतीय जनता पार्टी जो बिहार को बदनाम करना चाहती है, पहले अपने शासित राज्यों का हाल देख ले, लॉ एंड ऑर्डर का क्या हाल है, मणिपुर का, उत्तर प्रदेश का, मध्य प्रदेश का। बिहार बाकी बीजेपी शासित राज्यों से ज्यादा लॉ एंड ऑर्डर के मामले में सही दिशा में बिहार सरकार काम कर रही है और यहाँ कानून का राज स्थापित है।